तो चलिए फिर से स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज के टॉपिक में हम लोग मुगल साम्राज्य के बारे में बात करेंगे, जिसमें यह बात डिस्कशन होगा कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या क्या घटनाएं हुई और क्यों औरंगजेब को ही एक महान शासक कहा गया मुगल साम्राज्य का अंतिम बार। उसके बाद जितने भी शासक आए वो सभी बोल सकते हैं कि एक तरह से बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि ऐसे रूप में थे जिसने मुगल साम्राज्य को बढ़ाया नहीं बल्कि उसने दूसरे राज्यों या दूसरे राजाओं पर आधारित होकर अपना शासन चलाया था। हम कह सकते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जितने भी शासक थे वो सभी अयोग्य थे और उनका अयोग्य होने का कारण ये था कि उनका शासन तंत्र जो था वो पहले राजाओं की अपेक्षा काफ़ी कमज़ोर था। उनके पास कुछ ऐसे बोल सकते हैं कि नाकामियाँ थीं जिसके कारण पूरा साम्राज्य जो था मुगल साम्राज्य ये सिकुड़ चुका था। देखिए सबसे पहले जब औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में, तो उसका पुत्र अर्थात उसका जो पहला बेटा था जिसका नाम बहादुर शाह था या जिसका नाम मोहिउद्दीन बहादुर था, उसने शासन पद्धति को संभाला और इसका जो शासन पद्धति था वो बहुत ही कम समय तक था। 1707 से 1712 के बीच में इसने कोई भी ऐसे काम नहीं किए, किंतु इसने एक संधि की प्रस्तावना को अपने क्षेत्र से पहली बार सामने रखा। यह संधि था सिखों, मराठों और उन सभी राजतंत्रों के साथ जिसके साथ मुगल साम्राज्य की टक्कर चल रही थी। अर्थात इसमें यह बात सामने आती है कि जिस तरह से मुगल साम्राज्य का पतन का काल आ रहा था और मुगल साम्राज्य अपने पीक से अर्थात अपने जो चौमुखी विकास से नीचे की ओर जा रहा था, इसमें पूरा तरह से ये क्लियर हो चुका था कि मुगल साम्राज्य औरंगजेब के बाद अब घटना शुरू कर देगा। और इसी का एक रूप हमें बहादुर शाह द्वितीय के जैसे देखने को मिलता है, जिसमें बहादुर शाह द्वितीय जो था वो सिखों और मराठों के साथ संधि कर रहा था, जहां पर अकबर, हुमायूं, बाबर और बोल सकते हैं कि औरंगजेब जैसे राजा जो थे वो इन हिंदू राजाओं को या सिख राजाओं से हमेशा युद्ध करके उनके क्षेत्रों को हड़पते थे। वहीं पर बहादुर शाह द्वितीय क्या कर रहे थे, उन लोगों के साथ संधि कर रहे थे। इस संधि का करने का मुख्य कारण था कि वो चाहते थे कि युद्ध ना के बराबर हो और उनका राज शासन हमेशा के लिए चलता रहे। लेकिन इतना तो क्लियर था कि सिख और मराठा जो था वो एक बोल सकते हैं मूर्ति नहीं थी कि उनको जो कपड़े पहनाया जाए वो कपड़े पहन ले। उन लोगों ने इसका पूरा फायदा उठाया और अब वो लोग जो थे पहले की अपेक्षा ज़्यादा बढ़ चढ़ कर मुगल साम्राज्य को तबाह करने का प्रयास करने लगे, जिसमें उन्हें बहुत ज़्यादा ताकत मिला। और इसी के तहत सिख और जाट तथा मराठा साम्राज्य जो था वो 1707 के बाद ज़्यादा उत्कृष्ट माने गए। इनका शासन तंत्र और ज़्यादा बढ़ा और इसीलिए बोल सकते हैं कि मेवाड़ जैसे क्षेत्रों में, फिर आप जितने भी दक्कन के क्षेत्र थे वहाँ पर मुगल साम्राज्य जो था वो घटते चला गया। देखिए मुअज्जम बहादुर शाह जो थे वो 65 वर्ष की आयु में बोल सकते हैं राजगद्दी को संभाला था और कहीं ना कहीं ये कारण था कि उस समय उनके अंदर युद्ध करने का जो ताकत था वो ख़त्म हो चुका था। क्योंकि एक तरफ आप देख सकते हैं कि औरंगजेब ने अपने जीवन का 50 वर्ष जो था वो एक शासक के रूप में गुजारा, तो जब बाप का 50 वर्ष तक शासन चलता है तो बेटा तो ऑटोमेटिक बूढ़ा में ही शासन गद्दी को संभालेगा ना। तो इसी के तहत हम कह सकते हैं कि जहाँ पर औरंगजेब 78 से 82 के उम्र के बीच में अपने शासन तंत्र को छोड़ करके इस दुनिया को अलविदा कहते हैं, वहीं पर इनका जो बेटा था वो 65 वर्ष की आयु में राजगद्दी को संभालता है। तो एक बूढ़े राजा से आप कितना उम्मीद कर सकते हैं। इसी कारण अन्य जितने भी वर्ग थे उनको बहुत ज़्यादा फायदा मिल रहा था इस युद्ध में लड़ करके मुगल साम्राज्य से अपना अधिकार को वापस लेने के लिए, और इसमें वो लोग बहुत सफल हो रहे थे। इनके बाद जो अगला शासक आता है वो थे जहांदर शाह। देखिए जहांदर शाह एक ऐसा शासक था जो बहुत ही कम समय तक मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठता है। यह 712 में राजगद्दी को संभालता है और 713 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इसका जो उत्तराधिकारी अर्थात इसका जो पुत्र था बहादुर शाह वो वापस इस गद्दी में बैठता है। ये पहले वाला बहादुर शाह नहीं था, ये जहांदर शाह का पुत्र जो था वो बहादुर शाह था। तो जब ये गद्दी पर बैठता है तो गद्दी पर बैठने के बाद इसके अपने लोग ही इसके खिलाफ चल जाते हैं और कहा जाता है कि इसके दामाद और इसके भतीजे फर्रुख सैय्यर ने इसकी हत्या कर दी थी और खुद फर्रुख सैय्यर जो था अब मुगल साम्राज्य की राजगद्दी पर बैठ चुका था। जहांदर शाह की मृत्यु के बाद या बोल सकते हैं फर्रुख सैय्यर ने जब इनकी हत्या 1713 में की तो सैयद बंधु के द्वारा जहांदर शाह के बाद फर्रुख सैय्यर को मुगल साम्राज्य का अगला शासक घोषित किया गया। सैयद बंधु ने इसमें पूरी तरह से फर्रुख सैय्यर की सहायता की थी और ये जो सैयद बंधु थे इनके जो मुख्य नाम थे वो था अहमद खान बरहा और सैयद हसन अली खान बरहा। इन दोनों भाइयों को किंग मेकर के नाम से भी जाना जाता है या आप इनको कह सकते हैं कि ये सैयद बंधु था।
और इन दोनों ने मिल करके 1713 से लेकर के 1719 तक फर्रुख सैयर को शासन बना के रखने का प्रयास किया। किंतु जब फर्रुख सैयर ने कुछ बातों से इनके कुछ बात जो थे या बोल सकते हैं सैयद बंधु की कुछ बातों को मानने से इनकार कर दिया तो उन लोगों ने इनकी हत्या करवा दी। और आप कह सकते हैं कि जब तक फर्रुख सैयर शासन कर रहा था तब तक सैयद बंधु जो थे वो प्रधानमंत्री के रूप में रहते हैं मुगल साम्राज्य में, और उनकी कही गई बातों को फर्रुख सैयर को मानना होता था। ऐसा भी माना जाता है कि ये सैयद बंधु जो थे ये पैगंबर मोहम्मद साहब के वंशज माने जाते थे, इसलिए मुगल काल में इन्हें बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया जाता था। इसके बाद जो जब फर्रुख सैयर की हत्या होती है तो एक तरह से बोल सकते हैं रफ़ी उदारत खां को अगला मुगल साम्राज्य का सम्राट घोषित किया जाता है। किंतु इनका किसी बीमारी के कारण मात्र 4 महीने के कार्यकाल में मृत्यु हो जाती है। उसी के तहत उन्होंने मोहम्मद शाह रंगीला को एक नया राजतंत्र दिया या बोल सकते हैं मुगल साम्राज्य का एक नया सम्राट बना दिया। जब ये मोहम्मद शाह रंगीला मुगल सम्राट के रूप में पदस्थापित हुआ या बोल सकते हैं मुगल साम्राज्य के शासन तंत्र को संभालना शुरू किया तो इसका शासन तंत्र बहुत ही खराब था, क्योंकि यह एक ऐसा राजा था जो पूरी तरह अयोग्य था मुगल साम्राज्य को बचाने के लिए। इसी के काल में नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और बहुत भारी मात्रा में दिल्ली को लूटा। इसी के शासनकाल में कोहिनूर और साथ ही साथ तख्त-ओ-ताऊर या बोल सकते हैं जिसे मयूर सिंहासन को लूट करके नादिर शाह जो था वो अपने साथ ले जाता है और बहुत भारी मात्रा में दिल्ली में लूटपाट मचाता है। इनका शासनकाल 1719 से लेकर 1748 के बीच था और इस शासनकाल में बहुत कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिससे मुगल साम्राज्य बहुत सिमट चुका था। अब मुगल साम्राज्य जो था मात्र दिल्ली की सीमाओं तक ही सीमित रह गया था, और दिल्ली की सीमाओं में सीमित होने के कारण जितने भी अन्य क्षेत्र थे जहां उत्तर क्षेत्र दक्कन का क्षेत्र या पश्चिमी क्षेत्र था वो सभी क्षेत्र मुगल साम्राज्य के अधीन नहीं रह चुका था। वहां पर अब मराठे सिख और जाट जैसे नए नए राजतंत्र जन्म ले चुके थे और उनकी ताकत बहुत बढ़ चुकी थी। मोहम्मद शाह रंगीला की मृत्यु के बाद बहुत ऐसे अयोग्य शासक आए जो अब मुगल साम्राज्य को और अधिक कमजोर कर रहे थे, जिसमें अहमद शाह आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय जैसे बहुत शासक आए और इसने मुगल साम्राज्य की पूरी नीति को बदल दिया। अब मुगल साम्राज्य जो था वो पेंशन भोगी बन चुका था, क्योंकि जो भी शासक इन पर राज कर रहे थे वो अन्य घराने और अन्य वर्ग के होते थे, जिसके कारण इन्हें मराठे थे, जाट थे, ये सभी पेंशन देकर के इनका शासन तंत्र को चला रहे थे। अंततः जब 1857 में बोल सकते हैं कि मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु होती है तो उनकी मृत्यु के पश्चात ये लोग अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुके थे। मुगल साम्राज्य पूरी तरह से तबाह हो चुका था और इस जगह पर अब ब्रिटिश या बोल सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना आधिपत्य जमा लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल के जितने भी क्षेत्र थे वहाँ पर अपना शासन तंत्र को मजबूत किया और एक तरह से मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। देखिए, इस तरह से मुगल साम्राज्य का अंत होता है, लेकिन मुगल साम्राज्य ने पूरे भारत को क्या क्या दिया उसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। देखिए, मुगल साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य था जो लगभग 180 वर्षों तक शासन करता है। इस शासन क्रम के दौरान यह मनसबदारी प्रथा को बहुत ज़्यादा बढ़ाता था, तो हम कह सकते हैं कि मुगल साम्राज्य के द्वारा ही मनसबदारी प्रथा, फिर रुपया का जो चलन था ये चलना शुरू हुआ। उसके साथ ही आप बोल सकते हैं कि मुगल साम्राज्य का जो शासन तंत्र था ये पहली बार ऐसा शासन तंत्र हुआ औरंगजेब के काल में जहाँ पर डाक व्यवस्था को बहुत मजबूत किया गया था। कि मुगल साम्राज्य में मंत्रिपरिषद को विजारत कहा जाता था और इसका जो मैन अध्यक्ष उसे वजीर कहते थे, तो वजीर जो था वो बहुत ही मुख्य भूमिका निभाता था मुगल साम्राज्य में, क्योंकि उसे राजा के समान दर्जा दिया जाता था। उसके जितने भी आदेश होते थे वो पूरे राज्य पर शासन के लिए चलाए जाते थे, और ये भी कहा जाता है कि वजीर के आदेश अनुसार जितने भी सेना होते थे उन्हें उनका वेतन प्राप्त होता था। बिना वजीर के हस्ताक्षर के किसी को भी वेतन नहीं दिया जाता था। उसी तरह मुगल साम्राज्य में जो शासन तंत्र था वो कई भागों में बटा था, जिसमें सूबेदार भी एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा होता था। सूबेदार के द्वारा जितना भी राजतंत्र था या बोल सकते हैं जितना भी शासन तंत्र था वहाँ शांति बहाल करने की बोल सकते हैं सभी कार्य को किया जाता था। एक तरह से आप कह सकते हैं कि मुगल साम्राज्य में जो जितना भी आंतरिक गतिविधि होता था उसका देखरेख जो था वो एक तरह से बोल सकते हैं कि सूबेदार करता था। उसी तरह दीवान जो था
उसका काम था, ये भी एक कार्यकारी अध्यक्ष था बोल सकते हैं मुगल साम्राज्य का, इसका काम था कि ये राजस्व वसूली करने और लगान वसूली करने का पूरा कार्य को संभालता था, और राजकोष में कितना धन है किस तरह से उसका उपयोग करना है इसका पूरा व्यवस्था जो था वो एक दीवान करता था। देखिए इसके बाद एक अधिकारी जो था वो बख्शी था। देखिए बख्शी वो अधिकारी होते थे जो बोल सकते हैं कि ये पूरे तंत्र के या पूरे राज्य का जो सैन्य गतिविधि होता था उसको संभालता था। सैन्य गतिविधियों को संभालने के लिए बख्शी जो था वो मुख्य रूप से काम करता था, या बोल सकते हैं कि ये एक तरह का हेड ऑफिस होता था मुगल साम्राज्य के सेनाओं का। इसके बाद फौजीदार आते थे जो प्रांतों में एक तरह से बोल सकते हैं शासन व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने का काम करते थे। ये बख्शी के नीचे वाले स्तर के लोग होते थे या अधिकारी होते थे जिन्हें फौजीदार कहते थे। उसी प्रकार अमील, कोतवाल, सिकदर और कई ऐसे बोल सकते हैं अधिकारी होते थे जो मुगल साम्राज्य में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। देखिए उसी तरह मुगल साम्राज्य में जो भूमि व्यवस्था थी उसे मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया था। ये तीन भाग थे खालसा भूमि, जागीर भूमि और मदद ए मासा। खालसा भूमि वो भूमि होता था जिस पे पूरा नियंत्रण बादशाह का होता था। उसी तरह जागीर भूमि वो भूमि होता था जिसे तनख्वाह के बदले दिया जाता था, जबकि मदद ए मासा ऐसी भूमि होती थी जिसमें कोई भी तरह का बोल सकते हैं अनुदान नहीं दिया जाता था, या फिर इस भूमि को मिल्क भी कहा जाता था। साथ ही साथ यह भूमि जो होता था यह शासक के अधीन नहीं होता था और इस भूमि में कभी भी लगान वसूल नहीं किया जाता था। इस तरह से हमने जाना कि तीन तरह से मुगल साम्राज्य में जमीनों को बांटा गया था। देखिए मुगल साम्राज्य में अकबर की भी नीतियां जो थी बहुत ही उत्कृष्ट मानी जाती है। 1580 में अकबर ने दहसाला प्रथा को लागू किया था जिसके द्वारा मुगल साम्राज्य में जितनी भी भूमि नापन पद्धति था उसका विकास हुआ था। साथ ही साथ लगान वसूलने का जो क्रम था यही दहसाला या बोल सकते हैं टोडरमल नीति के द्वारा किया गया था। चूंकि इसे टोडरमल ने तैयार किया था इसलिए इसे टोडरमल पद्धति या दहसाला पद्धति भी कहा जाता है। मुगल काल में शाहजहां ने भी बहुत ही उत्कृष्ट काम किया था व्यापार के लिए। ऐसा माना जाता है इतिहासकार के द्वारा कि शाहजहां ने आना प्रचलन का जो एक क्रम था उसे चलाया था, और ये जो आना प्रचलन था इसी के द्वारा मुगल साम्राज्य में बहुत सारे व्यापार को उत्कृष्ट किया गया था। तो हम कह सकते हैं कि आना का उपयोग मुगल साम्राज्य में व्यापार के जो क्षेत्र थे इसमें अधिक शाहजहां के काल में हुआ था। मुगल काल में सबसे बड़ा जो सिक्का होता था उसे संसब कहा जाता था, तथा सबसे ज़्यादा चलने वाली स्वर्ण सिक्काओं को या सिक्कों को इलाही कहा जाता था। तो मुगल साम्राज्य में स्वर्ण सिक्काओं का प्रचलन जो था वो भी हो रहा था, और इसमें सबसे अधिक इलाही सिक्कों को चलाया जाता था जो राजाओं के द्वारा और मंत्री के अधिकारी द्वारा चलाया जाता था। कि मुगल काल में सेनाओं को भी चार भागों में बांटा गया था, जिसमें पहला पैदल सेना, दूसरा घोड़सवार सेना, तीसरा तोप सेना और चौथा हाथी सेना होता था। जब भी कोई युद्ध होता था तो सबसे पहले पैदल सेनाओं को आगे रखा जाता था, और युद्ध के क्रम में बहुत ज़्यादा बचाव का रूप में घोड़सवार सेना कार्य करते थे, और यदि युद्ध लंबित समय तक चलता था तो वहाँ पर कम समय करने के लिए हाथी सेना और तोप सेना को सामने रखा जाता था। इस तरह से बड़े बड़े किलाओं को तोड़ करके मुगल साम्राज्य ने अपना शासन तंत्र को बहुत मजबूत किया था। देखिए मुगल काल में उमरा नाम का एक जो शब्द है ये बहुत उत्कृष्ट हुआ है। ये उमरा उन लोगों को कहा जाता था जो मनसबदार होते थे, अर्थात जिनके पास 2500 से भी ज़्यादा मनसबदारी नीतियाँ होती थी या मनसबदारी अधिकार होते थे उन्हें उमरा कहा जाता था। कई जगह पर इन्हें अमीर ए आजम के नाम से भी जाना जाता था। मुगल काल में जात से ही बोल सकते हैं वेतन और प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था। साथ ही साथ घोड़सवारों को एक अलग दर्जा दिया जाता था मुगल साम्राज्य में, और इन्हें बहुत ही उत्कृष्ट माना जाता था। ये घोड़सवार जो होते थे ये अधिकतर मुगल साम्राज्य की रक्षा के लिए तत्पर होते थे, और इनकी जो वेतन होती थी वो अन्य अधिकारियों से ज़्यादा माना जाता था। लेकिन इनके वेतन का जो मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष होता था, या बोल सकते हैं कि जो मुख्य ऐसा व्यक्ति जो इन्हें वेतन देता था वो वजीर होता था। तो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि मुगल काल में जितना भी तरह का गतिविधि राजा ने अपने तंत्र में किया था, चाहे वो मनसबदार हो, सूबेदार हो या कोई भी ऐसे अधिकारी जो मुगल साम्राज्य को उत्कृष्ट कर रहे थे या उनका लालन पालन करते थे, या बोल सकते हैं कि मुगल साम्राज्य को संभाल रहे थे, इनका पूरा देखरेख का काम जो था वो वजीर का होता था, और इसे राजा के बराबर माना जा सकता था। तो इस तरह से आज हम लोगों ने जाना कि मुगल साम्राज्य किस प्रकार से उत्कृष्ट होता है और किस प्रकार से इसका शासन तंत्र जो था वो कमजोर हो गया था और पूरी तरह खत्म हो गया था। आशा करते हैं कि मुगल साम्राज्य की इस पूरी बातों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।